हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही इस यूट्यूब स्टडी चैनल पर जिसका नाम है कोचिंग होम 24। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के रिज़ल्ट के बारे में जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है, तो उसके बारे में हम आपको जो है कुछ बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, आपने ढेरों वीडियोस देखे होंगे कि जो है ग्रुप डी का रिज़ल्ट इस दिन डिक्लेयर होगा, इस दिन डिक्लेयर होगा। हमने अपने चैनल पर इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं डाला है, बट देखिए आज जो न्यूज़ आया है तो हमने सोचा इससे रिलेटेड आपको कुछ ज़रूर बताना चाहिए जो रिज़ल्ट आ रहा है, क्योंकि करोड़ों बच्चे जो हैं स्टूडेंट इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि जो ग्रुप डी का रिज़ल्ट कब होगा, क्योंकि कभी बताया जा रहा था कि ये जो रिज़ल्ट है वो 13 फरवरी को होगा, 14 फरवरी को होगा। तो देखिए जो अभी इससे रिलेटेड सबसे बड़ा अपडेट आया है तो हम इस वीडियो में आपको वो बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी समय से चर्चा में था कि जो देखिए रेलवे ग्रुप डी का जो इंतज़ार करते करते देखिए काफ़ी जो है समय हो चुका था। तो देखिए इससे रिलेटेड जो सबसे बड़ा अपडेट आज आया है, तो देखिए आपको पता होगा जो रेलवे की 1,30,000 वैकेंसी निकली है, देखिए जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो उस कारण जो उसकी कोड ऑफ कंडक्ट है यानी आचार संहिता से पहले पहले जो देखिए इसका जो रिज़ल्ट उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और इसकी जो है प्रॉपर जो एक्चुअल डेट है वो देखिए आ चुकी है। तो हम जो इसकी एक्चुअल डेट ही आपको बताएंगे कि कब जो इसका रिजल्ट जो ग्रुप डी का डिक्लेयर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो द इंडियन एक्सप्रेस में जो देखिए ये आज न्यूज़ आई थी, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उससे जो न्यूज़ में बताया गया था जो रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट है वो 28 फरवरी या फिर 27 फरवरी यानी कल या परसों तक जो इसका रिजल्ट है जो वो पक्का ही जो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ पे जो देख सकते हैं डायरेक्ट जो इसका जो रिज़ल्ट है, देखिए बताया गया है कि ऑफिशियली बताया गया है कि ये 27 या 28 को डिक्लेयर होगा। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड हम आपको और भी बताना चाहेंगे जो इसका रिज़ल्ट है वो हमेशा ही जो शाम को डिक्लेयर होगा, चाहे वो 27 को डिक्लेयर हो चाहे वो 28 को डिक्लेयर हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपके कुछ घबराने की बात नहीं है, ये कल या परसों अवश्य ही जो डिक्लेयर हो जाएगा ये आपके ग्रुप डी का रिज़ल्ट। तो देखिए करोड़ों जो बच्चे थे इस रेलवे ग्रुप डी उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो देखिए सभी इस जो इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। तो इसका जो रिज़ल्ट की डेट है देखिए आप यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं, जो रिज़ल्ट की डेट है यहाँ पे बताई गई है 27 से 28। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये 27 से 28 बताई गई है, अब आपको और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था तो उनका जो रिज़ल्ट कल आ जाएगा। देखिए तो ये यहाँ पे बताया गया है जो ये रिज़ल्ट है ये 27 तारीख को जो है मिडनाइट से सभी रीजन का जो अपलोड उनकी वेबसाइट पे कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से अपना जो है रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं। और उसके लिए जो आपका आगे फर्दर प्रोसीजर होगा जो भी फिज़िकल का होगा तो आप उसके लिए अपेयर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कुछ जो रेलवे ग्रुप डी का अपडेट आया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट था। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, ये था कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो हमने आपको बताना ज़रूरी समझा। और तो देखिए आपका रिज़ल्ट जो है वो 27 या 28 को डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।